ग्वालियर में पुलिस वालों से मारपीट करने वाले दो बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला। पहले बदमाशों को अचलेश्वर मंदिर के पास घटना स्थल पर ले गए और फिर कोर्ट में पेश किया। आरोपियों के फरार तीसरे साथी की कंपू थाना पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीमें तलाश कर रही हैं। पुलिस को उम्मीद है वो भी जल्दी ही पकड़ा जाएगा। ग्वालियर पुलिस ने उन दो बदमाशों को अच्छा सबक सिखाया जिन्होंने वर्दी पर हाथ डालने की जुर्रत की थी। कल हुए एक घटनाक्रम में बुलेट सवार तीन बदमाशों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की थी। बदमाश इस बात से उत्तेजित हो गए थे कि उन्हें रोका क्यों गया, वे पुलिस से उलझ गए। वहां मौजूद जनता ने उनमें से एक को पकड़कर उनकी जानकर पिटाई लगाई और पुलिस को सौंप दिया और दूसरे को पुलिस ने रात को उसके ठिकाने से उठा लिया। इनका तीसरा साथी अभी फरार है। पुलिस ने आज गिरफ्तार दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला। आरक्षक अनूप सिंह की शिकायत पर तीनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना में शामिल आरोपी कौशलेंद्र उर्फ सोनू यादव और भानु जाटव पुत्र दीपचंद्र जाटव निवासी ललितपुर कॉलोनी थाना कंपू को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे आरोपी रौनक बाथम फरार है जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगाई गई है। पुलिस के अनुसार भानु जाटव पूर्व अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना कंपू में पहले से ही 09 अपराध दर्ज है। इसके विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्यवाही की गई है तथा बाउंड ओवर के उल्लंघन में धारा 122 की कार्यवाही अलग से की जा रही है।